हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से GD एंड DB की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कम्प्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, मतलब सारा कुछ क्लियरली बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आप सभी को बताया कि कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है, नाविक GD एंड DB की रिक्रूटमेंट रहेगी। टोटल पोस्ट 330 है। तो अगर पोस्ट वाइज बात की जाए तो नाविक GD का 260 है, यांत्रिक का 60 है, नाविक DV का 30 पोस्ट है। रही बात फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट की, तो आपका ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 8 सितंबर 2023 से, लास्ट डेट रहेगा 22nd of September 2023। फॉर्म फी जनरल OBC EWS से 300 रुपीज एंड अदर कैंडिडेट से कोई फी नहीं लिया जाएगा। स्टेज वन के ना एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी गई है, आपका दिसंबर 2023 में इसका स्टेज वन का पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। रही बात फ्रेंड्स एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 22 इयर्स एज का लिमिट रखा गया। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर किया गया कि बॉर्न बिटवीन 1 मई 2002 से लेके आपका 30 अप्रैल 2006, मतलब जिनका जन्म 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। रिलैक्सेशन मिलेगा OBC को 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी होता है। पोस्ट वाइज बात करें तो GD के लिए 10+2 विथ मैथ एंड फिजिक्स पास आउट बच्चे अप्लाई करेंगे, DB के लिए 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, यांत्रिक के लिए आपका इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिनका भी ये क्वालिफिकेशन रहेगा वो अप्लाई कर सकते हैं। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है, डिफेंस का जो भी होता है उसमें रिटर्न एग्जाम ही होता है। फिर होगा आपका PET एंड PST, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद होता है मेडिकल, फिर DV और सिंपली आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो फ्रेंड्स आइए पोस्ट वाइज बता देती हूँ किस पोस्ट के लिए क्या एग्जाम रहने वाला है। नाविक DV के लिए सिर्फ सेक्शन 1 का पेपर होगा, नाविक GD के लिए सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 होगा, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल्स के लिए सेक्शन 1 प्लस 3 होगा, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन 1 प्लस 4 होगा, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 प्लस 5 होगा। तो फ्रेंड्स ये नहीं सोचना है कि 1 प्लस 4 क्या है, वो आपको सेक्शन वाइज ना उसका पैटर्न बता दिया गया, जो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। तो 1 प्लस 4 मतलब कि फर्स्ट आपका सेक्शन 1 होगा, फिर उसको क्वालिफाई करने पर सेक्शन 2 का आपका देना होगा पेपर। आइए एग्जाम पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। ये हो जाएगा सेक्शन, डिटेल्स, सब्जेक्ट एंड पासिंग मार्क्स। तो सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए 45 मिनट में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन एंड GK के आपको 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें पासिंग मार्क्स जनरल OBC EWS का 30 एंड SC ST का 27 रहता है। सेक्शन 2 की बात करें फ्रेंड्स, तो आपका 50 क्वेश्चन का रहता है 50 मार्क्स के लिए एंड 30 मिनट्स में पेपर कंडक्ट कराया जाता है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन एंड फिजिक्स के 25 क्वेश्चन। जनरल OBC EWS का पासिंग मार्क्स 20 है, SC ST का 17 रहने वाला है। इसके बाद सेक्शन 3, 4 एंड 5 का जो है ये पैटर्न आपको सेम रहता है, 50 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए एंड 30 मिनट्स में होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको ट्रेड रिलेटेड रहता है, पासिंग मार्क्स भी वही सेम ही रहने वाला है। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको बता देती हूँ फिजिकल क्राइटेरिया।
इसमें आपका रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर का 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है। स्क्वाटअप्स यानी उठक बैठक 20 लगाने होते हैं, पुशअप्स 10 करने होते हैं, हाइट आपका मिनिमम रिक्वायर्ड है 157 सेंटीमीटर। तो फिजिकल क्राइटेरिया भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका होता है डीवी एंड मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी और आपका जो जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में, जहां पे आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अलोकेट किया जाएगा, आपको वहां पे सर्व करना पड़ सकता है। रही बात इनिशियली इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, तो फ्रेंड्स आपका इनिशियली 21,700 पर मंथ की सैलरी होती है। इसमें पर्क्स एंड अलाउंसेस भी होते हैं, सारा कुछ बहुत ढंग का रहने वाला है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है। सो आई होप कि मैंने आपको जो डिटेल बताया है कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट GD एंड DB के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स, तो आपके लिए मैं इसका नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहां जाके भी देख सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज को, मैं वहां पे भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और आपको मेरे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, तो आप चाहो तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को खूब सारा लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी अपकमिंग जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी हो सके, पता चल सके। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलूंगी फिर से किसी न्यू जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।